एमपी में विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन नेताओं की बदजुबानी का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस नेता सूबे के सीएम शिवराज सिंह चौहान को कभी मदारी तो कभी कलाकार बता रहे हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सुंदरलाल तिवारी ने तो भाषाई मर्यादा की सारी सीमाएं ही लांघ दी और उन्होंने शिवराज को वेश्या तक कह डाला। तिवारी ने कहा कि जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री वेश्या के रूप में काम कर रहे हों, उस प्रदेश का क्या होगा। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री वेश्या के रूप में काम कर रहे हो, वेश्या का आचरण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपना दिखा रहे हैं, अब मैं उसको प्रमाणित करता हूं कैसे वेश्या कह मैंने कहा है। 14 वर्ष में 1 रुपए की बिजली उन्होंने माफ नहीं किया और जब चुनाव आ गया तो बिजली के लिए माफी दिखाने लगे। आदेश अपने आप में बताता है कि वोट के लिए किसी हद तक प्रदेश के मुख्यमंत्री जा सकते हैं। मौजूदा समय में राजनीति का स्तर किस तरह गिरता जा रहा है, इसका अंदाजा नेताओं की एक दूसरे के लिए इस्तेमाल की जा रही अमर्यादित भाषा से लगाया जा सकता है। वहीं नेताओं की ऐसी बदजुबानी पर जनता वोट देगी या चोट करेगी, ये तो चुनाव बाद ही पता चल पाएगा। रीवा से विजय कुमार की रिपोर्ट।